नमस्कार दोस्तों गणित ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुलतावडी के सीरीज़ में ये मेरा लास्ट वीडियो है और पहले मैं पच्चीस वीडियो डाल चुका हूं ये छब्बीस नंबर वीडियो है और दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक लेट खिलने वाला वेराइटी पिंक में देखिए बहुत बड़ा फूल देता है और ये मिनी डालिया जैसा आपको दिखेगा और पेटल का देखिए दोस्तों बहुत दिन तक ये लास्टिंग करता है और बहुत धीरे धीरे खिलता है और ये थोड़ा हाइट में खिलने वाला वेराइटी है ये देखिए चारों तरफ ये फूलों से भरा हुआ है और ज़्यादा आप इसे घना नहीं कर सकते पिंचिंग ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन ये कमाल का वेराइटी है क्योंकि बड़ा साइज का फूल देता है और हर साल मेरे गार्डन में लास्ट में ये खिलता है दोस्तों और फूल का कलर भी बहुत प्यारा है पिंक कलर में रहता है और ये कटिंग के थ्रू बहुत ईजीली होता है दोस्तों मैं इसे बचा के रखता हूँ और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है बहुत आसानी से ये बच जाता है और फिर मैं इसको लगाता हूँ दोस्तों नवंबर में अक्टूबर में इसका कटिंग थोड़ा ग्रोथ नहीं आता है ये पिछले सात आठ साल से मेरे पास है और बहुत पुराना वेराइटी है और ये दोस्तों बहुत लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि छोटा साइज का फूल मिल जाता है दोस्तों बड़ा साइज का ये फूल देता है और मैं किसी नर्सरी में भी रेयर देखा हूँ इसको बहुत सारे नर्सरी में ये मिलता नहीं है तो बहुत बढ़िया वेराइटी बोलूँगा और हाइट में खिलने वाला वेराइटी इसलिए इसे छड़ी का सपोर्ट चाहिए छड़ी का सपोर्ट अगर आप देते हैं इसे तो बहुत बढ़िया रहता है और अभी दोस्तों बारिश आने वाला है कल परसों तो इसे छुपाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हैवी फ्लावर रहता है और बारिश आने पर ये टूटने का खतरा रहता है क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है जब बारिश के बूंद इस पर लग जाता है और जब आप वाटरिंग भी करते हो तो पानी नहीं गिरना चाहिए दोस्तों इसके फूलों के ऊपर ये देखिए ऐसा मैं छुपा दिया हूँ इन सभी को जो जिसमें फूल दोस्तों हैं अभी तो वो सबको मैं छुपा दिया हूँ क्योंकि एक दो दिन बारिश आने वाला है और बारिश से इसे बचाना पड़ेगा क्योंकि ये और एक महीना आगे चलेगा अभी और पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं पच्चीस वीडियो तो मैं एक प्ले बना दिया हूँ गुलदावड़ी का वो मेरा प्ले सेगमेंट में जाके आप देख सकते हैं और हर एक टाइप का गुलदाउडी आपको मिलेगा दोस्तों और गुलदाउडी गार्डन में रहना चाहिए क्योंकि देखिए ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल रहता है और आप इसे सालों साल बिना पैसे खर्च करके बना सकते हैं कटिंग से तो ये था दोस्तों गुलदाउडी का और एक वेराइटी आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा फिर मिलते हैं नमस्कार